नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। पॉलिटेक्निक के छात्र ने की खुदकुशी, पिता ने कहा संगति का दुष्प्रभाव, अनुचित मांगों को पूरा कराया, फिर साड़ी से फंदा बनाकर लगा ली फांसी। महापुरुषों ने सच कहा है कि बच्चों को भले ही महंगी चीजें ना दो, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार जरूर देने चाहिए, उनकी संगति की जानकारी भी लेते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पौड़ीबार में एक युवक के द्वारा फांसी लगाने की घटना के बाद इसी तरह की बातें सामने आई है। मृतक के पिता ने इस बात को स्वीकार किया कि रायपुर जाने के बाद पुत्र की संगति खराब हो गई थी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक देवकीनंदन वैष्णव और उनके परिवार को इस बात का दुख है कि सभी तरह की इच्छाएं पूरी करने के बाद भी छोटे पुत्र हिमांशु वैष्णव ने खुदकुशी कर ली और कई सवाल छोड़ गया। कोरबा के सिविल लाइन पुलिस थाना के अंतर्गत पौड़ीबार क्षेत्र में निवासरत वैष्णव परिवार को आज सुबह इस घटना की जानकारी हुई। 22 वर्षीय पुत्र हिमांशु की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से सामान्य नहीं थी। पिता ने बताया कि रात्रि को घर आने के बाद हिमांशु अपने कमरे में गया और आज सुबह काफी देर तक नहीं उठा, तो इस पर संदेह हुआ। बाद में मालूम चला कि साड़ी से फंदा बनाकर उसने खुदकुशी की है। शिक्षक वैष्णव ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी मनमानी मांगे जारी थी और हमने इसे पूरा भी किया, केवल उसके दबाव के कारण ही कार खरीदी गई। दुखी मन से पिता ने इस बात को भी स्वीकार किया कि रायपुर में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के साथ उसकी संगति बिगड़ गई थी। युवक के फांसी लगाने की खबर मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को उतारा। इस मामले में मर्ग कायम करने के बाद आगे की जांच की जा रही है।